ये एक सिंपल पोस्टिंग डॉट पी एच पी फाइल है, इसके अंदर हम लोग जो है एक फॉर्म से डेटा पोस्ट करेंगे, एक एच टी एम एल फॉर्म बनाएंगे, उससे डेटा पोस्ट करेंगे और उस पोस्टेड डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। दूसरी साइड पर पोस्ट करेंगे अभी उसी पेज पे करेंगे हम लोग, सेम इसी पेज पे पोस्ट करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे उस डेटा को, पोस्ट का यूज़ करके, पोस्ट वेरिएबल्स का यूज करके। ठीक है, आप सबसे पहले तो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसका मेथड लिखेंगे पोस्ट। मेथड दो है ना, गेट और पोस्ट। मेथड दो हैं, गेट और पोस्ट। जैसे आपने जब लास्ट टाइम कोई मेथड वहाँ पे नहीं दिया था तो वो उसने गेट ले लिया था, ठीक है। गेट मेथड के थ्रू जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूआरएल में आपको दिखाई देते हैं। पोस्ट मेथड जो है आप कह सकते हैं बैकग्राउंड में वैल्यूज़ को पोस्ट कर रहा है। इसमें हमने एक फॉर्म को एक क्लोज किया, इसमें हम दो सिंपल इनपुट कंट्रोल देते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम, ये सबसे ज़रूरी फील्ड है क्योंकि इस नेम में जो हम देंगे वही चीज़ आप वहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ये वेरिएबल जैसा काम करता है, मान लो हमने दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड इसमें कुछ प्लेस होल्डर दे दिया। अच्छा, अगर वैल्यू देते हैं तो इसमें वैलिडेशन नहीं होता ना इसमें? देखो, अगर यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो बस वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होके आ जाती है, भर के आ जाती है ऑलरेडी उस इनपुट में, और उसकी वो वैल्यू बन जाती है। ऐसे कोई वैल्यू होती नहीं, ब्लैंक होता है, बस ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने प्लेस होल्डर लिखा, एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। सेम चीज़ आपने कॉपी की, इसको फर्स्ट की जगह लास्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया एंटर लास्ट नेम। अब आपके पास इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए एक सबमिट बटन होना चाहिए। आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है, नेम इज इक्वल टू सब, सब भी यूज करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी यूज कर सकते हैं वो, इसलिए जैसे ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है, ठीक है। जो इसकी वैल्यू है वो हमें इस वेरिएबल में मिलेगी, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है बस, फिर भी हम अभी दिखाएंगे कि इसका क्या पर्पज़ है, वो भी समझ में आएगा। और वैल्यू इज इक्वल टू एंटर या डिस्प्ले या जो भी हम लिखना चाहें यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखा मैंने। सबसे पहले इस फॉर्म को हम लोग रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सिंपल पोस्टिंग डॉट पी एच पी नाम से था और ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप फर्स्ट नेम देते हैं जॉन और सेकेंड नेम देते हैं डू, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गया, बट अनलाइक गेट वेरिएबल, गेट मेथड, ये यूआरएल में दिखाई नहीं दिया, ठीक है। कई बार पासवर्ड वगैरह से वैलिडेशन कराना, यूज़र का ऑथेंटिकेशन कराना, तो वहाँ पे आप चाहेंगे नहीं कि यूआरएल में आपके वो सब दिखाई दे डेटा, तो आप जो है इस मेथड का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल में सर्च क्वेरीज होती हैं, आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए हमने सर्च कर दिया डिजिटल इंडिया ही सर्च कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपका जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इसमें ये सब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये आपके लाइक यहाँ पे लिखा है क्यू इज इक्वल टू डिजिटल प्लस इंडिया, है ना। ये चीज़ जो है यानी कि यहाँ से फॉर्म के थ्रू जो है ये पोस्ट हुई है ये वैल्यू, और इसके बेसिस पे डेटाबेस को
सर्च किया गया है और उसके बेसिस पे ये सब रिजल्ट्स उठ के आए हैं, ठीक है। तो कई बार जो है उसका पर्पस होता है यहाँ पे दिखाने का, ठीक है, कई बार नहीं होता है, दोनों चीज़ें हम लोग को समझनी है। अब जब यहाँ पे हमने सबमिट किया तो हमें इसको दिखाना भी पड़ेगा। हम एक छोटा सा पीएचपी कोड लगाते हैं, ठीक है। पीएचपी कोड में हमको क्या प्रिंट कराना है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और जो हमने उस इनपुट का नेम दिया था उसके इनपुट में नेम के एट्रीब्यूट में जो हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ किया था वो, ठीक है, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे जब इसको मैं रन कराऊँगा फर्स्ट टाइम, मान लो इसी तरह से मैं दूसरा भी करा देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, थोड़ा सा इन ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो इसलिए जो है एक ब्रेक दे देते हैं दोनों के बीच में कंटिन्यू करके ये चीज़, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये अभी एक एरर थ्रो करेगा कि ये वेरिएबल अनडिफाइंड है, ठीक है, पर जब मैं इसको यहाँ से भर दूंगा तो ये उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है, बट उसके पहले ये कहेगा कि आपका वो वेरिएबल अनडिफाइंड है। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग एक इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं सेट इस सेट के थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि अगर सब की सब सेट है, यानी सब जो है ट्रू है, यानी सब की कोई वैल्यू है, ठीक, तो ये करो, ठीक है, एल्स चाहे कुछ ना करो या कुछ स्टेटमेंट दिखा दो जैसे गेट में करा था वो एरर हटाने के लिए, हाँ वही सी, ठीक है, एल्स में आप एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो प्लीज एंटर वैल्यूज, ठीक है। अब इससे आपने जो है जब यहाँ से किया तो आपका एरर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और नहीं दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते तो वो डिस्प्ले हो जाएगा और आपका वो वेरिएबल हट जाएगा, वो जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट किया था वो हट जाएगा। तो इसलिए ये है, कई बार हमको ये भी वेरीफाई करना होता है कि तीनों चीज़ अगर मैंडेटरी हैं, ठीक है, तो आप ये करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम लिखना मैंडेटरी है तो आप जो है एंड एक एंड यहाँ पे लगाया आपने, ठीक है, एंड का मतलब होता है कि ये और ये दोनों ही ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी होगा, ठीक है, एंड का मतलब होता है ये, और का मतलब होता है इधर वन ऑफ नेम, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, ठीक। अब जैसे इस केस में हम क्या करते हैं कि इसको भर देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये दिखा दिया, ऐसे नहीं दिखाना, लोगों ने एक कंडीशन ये बनाई है अगर वो सेट है और नल नहीं है, ऐसा हो रहा है कि फॉर्म के सबमिट होने पे वो सेट हो जा रहा है, ठीक है, और अगर वो सेट है और लास्ट नेम भी नल नहीं है तो जब ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जाए क्योंकि यहाँ पे एंड लगा तभी जो है हमारा स्टेटमेंट वर्क करेगा, अदरवाइज वो प्लीज एंटर वैल्यूज ही प्रिंट करेगा, ठीक है। हम इसको इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम और इसको सेट किया और उसके बेसिस पे हमने इको हम मतलब ये एरर या जो भी है हम इसको ये भी दिखा सकते हैं कि अगर
फर्स्ट नेम नहीं सेट है तो दिखाओ कि जो है आप फर्स्ट नेम एंटर कीजिए, ठीक है। अगर वो आप कंडीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। इस केस में जो है हम लोग मान लो सिर्फ इसको सेट करते हैं तो वो ये कह रहा है, और या सिर्फ इसको सेट करते हैं तब भी हो जाएगा, वो अलग अलग डिफरेंट शो कर दोनों को करते हैं तो वो दोनों का नाम लिखा है, ठीक है। ये एक छोटा सा अपना केस है। अच्छा, यही होता है जो बोलते हैं फील्ड मिसिंग आती है। हाँ, इसके थ्रू भी आप फील्ड मिसिंग का वो दे सकते हैं, और आप ये दे सकते हैं कि तब तक जो है आपका फॉर्म मतलब आगे ना जाए, आप जो है वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू यही पहले ही लगा सकते हैं कि यहाँ तक सबमिट हो होने से पहले ही आप चेक कर रहे हैं। वो आ जाते हैं ये इनकम्प्लीट है कुछ है वगैरह सारे। हाँ ठीक है, उस केस में आप जो है जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हम लोगों ने सेटअप किया। अब जैसे हमको मान लो ये टैक्स ना हो के नंबर होते। हाँ, ये भी नंबर में उसे जब डाला तो उसमें वो माइनस में भी ले रहा है आगे भी ले रहा है। हाँ, वो क्या होता है क्योंकि नंबर है, मतलब अगर मैं क्योंकि हम लोग जो है जो भी नंबर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो मैं एक छोटा सा एडिशन का कोड लिखा, ठीक, एको ये प्लस ये, ठीक है, तो आप जो है कोई माइनस टू प्लस माइनस टू भी तो करा सकते हैं। ठीक है, माइनस फाइव प्लस फाइव जैसे उसमें था ना, मैं कह रहा एंड फोन नंबर। हाँ, उसमें फ़ोन नंबर डालना था, वैसे कोई भी करेगा फॉर्म ऐसे डिस्प्ले करे तो सही नहीं लगेगा। वो तो सही नहीं है, उस केस में आपको जो है वही लेना पड़ेगा कि उस केस में आपको पीएचपी के थ्रू वैलिडेट करा सकते हैं, उसको टेक्स्ट ही लीजिए और उसको सबमिट होने से पहले डेटा कहीं पर इंसर्ट होने से पहले आप जो है उसको चेक करा लीजिए कि उसके अंदर जो है कहीं कोई कैरेक्टर्स ना, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ये बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टाइप नंबर है ये उसमें ये चीज़ रहती है। तो ये एक छोटा सा सम का वो टूल बन गया, ये आपका सम कर देगा। तो ऑपरेटर्स कैसे भी बीच में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हम एक ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें इफ एल्स का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको टैक्स लेते हैं, शुरुआत के दो नंबर होंगे और इसका नाम रख देते हैं ऑपरेटर, ठीक। आपने लिखा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर एंड ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी, ठीक है। हम अभी ऑपरेटर को वर्ड्स के थ्रू करते हैं, लाइक हमने कहा इको अभी नहीं करा है, हमने लिखा इफ, ठीक है, ये तो सारी कंडीशन ट्रू होने के बाद ही होगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू एडिशन सबट्रैक्शन ऐड, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई या
मल लिख दिया है, ठीक है। तो आपने इसको लिया यहाँ पे, ठीक। चौथा क्या बचा? माइनस, मान लो ऐसे, ठीक है। सब में इफ लगाया है, हम एल्स इफ भी लिख सकते थे, कहीं कहीं गलत हुआ है। तो किया यानी ये यहाँ से अगर उसने ऐड एंटर किया, मल एंटर किया, जो इनपुट ले कर रहा है सबसे ऊपर जहाँ पे वो इनपुट आती है वैल्यूज में। हाँ, अब यहाँ से हमने कहा फर्स्ट नंबर मान लो 15 है, ठीक है, लास्ट नंबर मान लो 20 है, और कहा इसे ऐड कर दूँ तो 15 + 20 = 35 होना चाहिए, ठीक है। इसने कहा 20 है और इसने कहा 2 है, इसे डिवाइड कर दो, जो भी स्पेलिंग वहाँ लिखी हो वही स्पेलिंग यहाँ यूज करें, ठीक है। हमने कहा 45 है और 25 है, इसे माइनस कर दो, तो ये आसान है। अब यहाँ इस केस में प्रॉब्लम ये बनती है कि यूज़र एग्जैक्टली वही लिखे जो हमने कोड किया, तो बैकएंड का तो पता नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं सेलेक्ट से, ठीक है। और इसमें प्लेस होल्डर तो लगेंगे, ठीक है, एक सेलेक्ट बॉक्स आ गया, ठीक। यहाँ पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, और हम पहले ही उसकी वैल्यू जो है जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन बंद किया, ठीक है। इसको 4 बार पेश करते हैं, ऐड, मल, ठीक है, डिवाइड और माइनस, ठीक है। देखो क्या होता है कि प्रोडक्शन में हम लोग जब इन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं या सबमिट करते हैं तो बहुत सारे और भी टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जिससे एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो, ये वो वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक सीखने का तरीका है, इसको आप जो है लाइव नहीं ले जा सकते, ये जस्ट एक सीखने का तरीका है। आगे इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को एस्केप कर दो, ठीक है, और स्क्रिप्ट स्लैश को कर दो, कोई उसमें कोई स्क्रिप्ट ना डाल पाए, कई चीज़ें वो सब सीखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस ठीक है, डिवाइड में भी, और इसमें आपका माइनस, ठीक है। ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, इसका हमारे सिस्टम से कोई लेना नहीं, मतलब जो भी ऑपरेशन हो प्रोसेस हो उससे कोई लेना नहीं, वो बस जब सबमिट होगा तो जो ऑपरेटर नाम का वेरिएबल है पोस्ट वेरिएबल यहाँ से वैल्यू उठाएगा, वो यहाँ से ये मैं वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। तो अब हम यूज़र के लिए वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये है कि तुम क्या करना चाहते हो, मान लो उसने कहा 34 और 10 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो हमारा आंसर क्या क्या लिखा है, ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेटर आपने पोस्ट के थ्रू बनाया, आपने ये देखा कि किस तरह से
पहले हम लोग ने मैन्युअली वैल्यूज एंटर कराई, पर हमें लगा यूज़र को कंफ्यूजन हो सकता है या यूज़र को कैसे बताएंगे, तो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए होता है ना। हाँ, ड्रॉप डाउन के लिए होता है, सेलेक्ट इस फॉर ड्रॉप डाउन। ये जो इसमें आप एक अपने से भी भर सकते हैं, इसको कर दिया, यहाँ लिख दिया सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले जो है ऑपरेटर लिख रहे इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड चार डिवाइडेड बाई चार मल्टीप्लाई टू वन। ठीक है, ये है, आप इसको अपने से कीजिएगा, छोटी सी चीज़ है, आपको डाउट हो तो बताइए।